अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं काजी हाफिज मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ कस्सा 7 टीवी न्यूज चैनल पर। नाजरीन देखते हैं आज की ताजा और अहम खबर। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का कस्सा 7 न्यूज चैनल में खैर मकदम है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट नखिब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुकम्मल व कामयाब नुमाइंदगी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रास्त निगरानी में नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में भी अब जिस्मानी तौर पर माजूरीन के लिए सिदाराम सर्टिफिकेट जारी करने का ऐलान किया गया है। ये सर्टिफिकेट पहले सिर्फ उस्मानिया और किंग कोटी गवर्नमेंट अस्पताल में ही दस्तियाब था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी नामपल्ली एरिया अस्पताल में भी ये सहूलत दस्तियाब रहेगी और यहाँ पर तरक्यात व आला मियारी इलाज में बेहतरी यहाँ पर तमाम आवाम को खिदमत फराहम कराई जाएगी। रोज़ाना यहाँ पर 31,000 बैरूनी पेशेंट्स यानि आउट पेशेंट्स मुफ्त इलाज और अद्वियात हासिल कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेराज के साथ इस मौके पर आरिफ रिजवान, रेडल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर, मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान और नामपल्ली एरिया अस्पताल के तमाम जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पेश है कस्सा 7 न्यूज़ चैनल की यह खसूसी रिपोर्ट। मजीद तफसीलात के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल कस्सा 7 को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।